नमस्कार, मैं हूं गिरीश और आप देख रहे हैं इनखबर। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज यानी 28 नवंबर को आयोजित होने वाली थी, लेकिन प्रश्न पत्र लीक के चलते इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, परीक्षा भवन में परीक्षा शुरू ही होने वाली थी कि करीब 20 मिनट पहले अधिकारियों को एकाएक निर्देश आते हैं और इस परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया जाता है। दरअसल इस परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पहले ही पहुंच चुका था, जिसके बाद प्रशासन ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया है। इस परीक्षा में करीब 20 लाख से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किया था। इस पर परीक्षा लीक मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश परीक्षा लीक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। परीक्षा लीक मामले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो इस मामले की जांच करेगी। वहीं एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया, इस मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 23 लोग यूपी के 6 अलग अलग जिलों से हैं। वहीं उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जो छात्र इस परीक्षा में शामिल होने वाले थे उनकी सुविधा के लिए यातायात की सुविधा प्रदान की है। दरअसल जो भी छात्र इस परीक्षा में शामिल होने वाले थे वे अब रोडवेज की बसों के माध्यम से मुफ्त में अपने घर जा सकेंगे। वहीं इस परीक्षा लीक मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि सरकार करीब 20 लाख छात्रों की खून पसीने की मेहनत के साथ खिलवाड़ कर रही है और बीजेपी बड़ी मछलियों का नाम छिपा रही है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के बाद अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचारी सरकार है और वो करीब 20 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही थी। उन्होंने नारा देते हुए कहा, बेरोजगार इनकलाब फिर होगा बदलाव। देश दुनिया की तमाम नई अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इन खबर।